वो लगना का जाट मरा जब जानी हो, जब तेरी तीजा हो जा, यो जाट के साथ अपमान हुआ और इलाज करके लौटेंगे, ऐसा लौटते नहीं। ये तो बहुत इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है, दिल्ली के चारों तरफ ये क्यों बसाए थे, वो इसीलिए बसे हुए हैं। ये अपमान बर्दाश्त करने के नहीं, इलाज करके लौटेंगे, अब पूरा इलाज करेंगे, गाँव में नहीं घुस सकते, इनके पुतले भी फूकेंगे और फिर गोला लाठी भी इनका लगाई जाएगी, इलाज होगा पूरा, इंतजाम पूरा होगा, भाई बचते कतई नहीं। यो एक जो है खिलवाड़ समझ ली इन्होंने एक नादानी के रूप में। भाई देखो, देश के एक उपराष्ट्रपति की जब इतनी बड़ी निंदा और इतनी बड़ी खिलाजत कर दी तो ये आम आदमी का क्या कर सकते हैं। अब ये जितने छुटके पुटके दल एक जगह सोचना चाह रहे थे, ये बहुत बड़ी गंभीरता की बात है। ये वो समाज है, ये वो जाट जाति है जो दिल्ली से दरबज्जा पहाड़ के ले गई थी। अच्छा, इन्हें ध्यान नहीं है अभी के जो यो वो समाज है जो दिल्ली से दरबज्जा पहाड़ के ले गई थी। हम दोबारा भी इस दिल्ली का दरबज्जा बंद कर सकते हैं, वो ताकत है हमारे अंदर। क्या मांग है अब आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि राहुल गांधी भाई वो अपनी माफी मांगे और यहाँ आके इन पर मुकदमे हो कि ये ऐसी खिलवाड़ आइंदा ना करें, जनता के साथ ये खिलवाड़ ना करनी चाहते। एक किसान के बेटे के साथ में गरीब किसान समझ के उसकी खिलवाड़ कर ली तो ये तो कल को और बहुत लोगों की वो कर देंगे। तो ना ये पद लायक है, ना ये प्रधानमंत्री लायक है, इसलिए इन लोगों को हम ये चाहते हैं कि दूर ही रहना सही है। तो आपको लग रहा है ताऊ जी राहुल गांधी माफी मांगेंगे? हाँ बिल्कुल, मांगनी पड़ेगी। अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा, हर गाँव गाँव हर घर घर इनके पुतले फूके जाएंगे और इनको गाँव में बढ़ने नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टी को। वो तो कह रहे जान बूझ के मुद्दा बना दिया, ऐसा मुद्दा था नहीं है। वो कह रहे की महंगाई पे बात होनी चाहिए थी, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए थी, लेकिन बात हो रही उपराष्ट्रपति पे आज। हाँ नहीं, महंगाई मुद्दे क्या मतलब है? महंगाई मुद्दे का मतलब ये नहीं देख रहे आप कितना बड़ा इन्होंने बोल वो कर दिया, उसे नहीं समझ रहा। उस सांसद को जो नहीं दिख रहा तू किसकी खिलवाड़ कर रहा, एक किसान के बेटे की खिलवाड़ पे, और वो जो समझ रहा कि महंगाई का मुद्दा आना चाहिए, यो महंगाई कम कर देगा, यो कर देगा। महंगाई ना आज तक किसी से कम हुई है ना हो पाएगी, ये तो सरकारों के एक ढोंचलेबाजी है। हम तो इसे भी कोई यो कह रहे हैं क्या इसकी बात है, लेकिन हम इस बात पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने के, चाहे सिर कट जाए हमारा, लेकिन दिल्ली का पानी बंद करके जाएंगे अगर अपनी पर ठान लिया तो। माफी मंगवाएंगे, माफी मंगवाएंगे। राहुल गांधी माफी मांगे, वो कहा किसी ने बड़े बुजुर्गो ने कि अगर बालक काम कर लिए करते तो माँ खसम ना करे करती, तो पहले उस बात को याद करे वो, तब आगे कुछ क्षेत्र में निकले, देश में निकले। तब यूपी जोड़ो यात्रा शुरू करी है, यूपी से क्या जोड़ा गया, यूपी जोड़ने की बात कर रहा, जो इनने तोड़ दिया और सारा बना बनाया खेल, इसने तो खेल मिटा दिया। अच्छा। इन सारी सरकारों का मिटा दिया सबका। तो क्या लग रहा बाबूजी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे क्या? तोबा करो रे, तोबा करो, कहाँ ऐसे मिलजुमले आदमी को, एक नाटक खोर आदमी को कोई प्रधानमंत्री बना देगा? जो छोटे छोटे लोगों से वो नहीं, यूपी नहीं थम पाई तो वे थाम लेंगे। अगर इसने इस बात की माफी नहीं मांगी तो इनका सारा परिवार नहीं, ये पहले ठुकते चले आए हैं, जो वो किसान है इन्हें फिर ठोक देगा। अच्छा, एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि हम तो किसानों की पार्टी है, सत्ता में आएंगे तो माफ कर देंगे, दूसरी तरफ किसान के बेटे का अपमान किया, अपमान कर रहे हैं ये। तो ये कहेंगे किसान के बेटे हैं, क्या है इनके पास धन है बस, धन धन किसान पर नहीं हो सकता, लेकिन एक गरीब उपराष्ट्रपति की बात को हम किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बर्दाश्त करने काबिल कोई बात इनकी है ही नहीं। एक बात बताओ, राहुल गांधी इतने बड़े हो गए, 50 साल की उम्र हो गई, लेकिन एक बच्चे की तरह वो वीडियो बना रहे खड़े। देखिए आप, जब बालक है नहीं उसका, अरे उसको तो शादी करनी चाहिए थी और शादी करने के बाद अपना आगे को वो चलाना चाहिए था वंश, जो अपना वंश ही है मेट गया तो रहा साहब है, खत्म कर लिया इन्होंने, तो क्या करेंगे। जाट समाज का मुद्दा है, नु कह रहे बोला बीजेपी वालों ने मुद्दा बना दिया, मुद्दा नहीं था हमारा, बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, हम राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत का जो पुराना है राजनीतिक संगठन है, जो बीजेपी उजेपी का कोई मामला नहीं है इसमें, जो जाट समाज और किसान का मामला है, किसान का मुद्दा है। कल को कोई और भी आके कभी किसी को फकीर बता दे, कभी किसी को झोला बता दे, जो कोई तरीका है इसका देश को? अरे ऐसी कौम को छेड़े क्यों, ये तो कोबरा है। अच्छा, एक बात बताओ ना, पता टिकैत को जो है दिया नहीं था मुजफ्फरनगर में मायावती के टाइम पे, तो बिना वजह ऐसी कौम को छेड़े क्यों कि हमारे बड़ों का अपमान करें। गांधी कह रहे मुद्दा था नहीं, मुद्दा बना दिया। अरे राहुल गांधी तो पप्पू हैगा, क्यों पिक्चर बना रहा था, क्यों डांस कर रहा था, उसके बराबर में जो खड़ा हो दक्षिण का वो कूद रहा,
एक वो बिहार का, वो कौन सी का 500 चाबे है, वो ताली बजा रहा। ये पता नहीं भाई किसकी खातर बजा रहे तुम ताली, देख तो लो। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया कभी हमारे बड़ों ने, और इनका बेड़ा गर्क कर देंगे, किसी के पल्ले ना पड़ जाए कभी ना मसल दे कोई आलम डिलारा। तो क्या मांग है जाट समाज की? वो मांग यू है, चुपचाप माफी मांग लो, और नहीं तो छोल वोल चल रही जरा, कभी छोल बंद करनी पड़े सारी दिल्ली का बेड़ा गर्क हो जाओगा। अच्छा छोल बंद कर देंगे? हाँ कर देंगे बिल्कुल, और क्या होगा। अगर माफी ना मांगी? ना मांगी तो माफी ना मांगी तो देखिए सब दिल्ली में मिलेंगे। यूपी जोड़ो यात्रा शुरू हो रही यूपी में कांग्रेस की। यूपी में गोस्से बजेंगे इन पर, गोस्से बजेंगे। अच्छा जरा घुस जाइयो बिना माफी मांगो। तो क्या वजह दिखाई थी भाई राहुल गांधी वीडियो बना रहे, वो मानसिकता क्या लग रही इनकी? देखो सुनो, आप मेरे से बड़े हो और मैं आपकी कोई बेइज्जती कर रहा हो तो मुझे उसको सुनना नहीं चाहिए, बस यो है। सुन के उनकी मजाक उड़ाना वो गलत बात है। इसे जो है, अगर जो है समझदार है, पार्टी का बहुत बड़ा नेता है, इसे जो है वो जो बदतमीजी कर रहा था उसे भी मना करनी चाहिए थी कि ऐसे इतने बड़े पद पर आदमी के लिए बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, और ये उसका वीडियो बना के हंस रहे तफरी कर रहे, तो ऐसे को बेड़ा गर्क हो जाओगा इनका। नहीं आज उनका नया बयान आया, वो कह रहे मन ने जो वीडियो बनाई थी, मेरी वीडियो तो मेरे फोन में है, मीडिया ने जबरदस्ती दिखा दी, ना तो अडानी पे बात कर रही, ना राफेल पे बात कर रही, ना किसानों पे बात कर रही। अरे अडानी पडानी, अडानी पडानी से हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो करेंगे तो खाओगे, खाने कोई नहीं देने का, ना हमारे कोई पार्टी सार्टी। भैया बिरादरी की बात है कि बिरादरी के ऊपर कई दफ़े हमले हो लिए, एक दफ़े जो है हरेंद्र मलिक के लौंडे गैल हुआ था मुजफ्फरनगर में, हमारी कोई पार्टी नहीं रहती फिर, चाहे हरेंद्र मलिक जी हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे नरेश टिकैत हो, बाबा टिकैत कुन दिया था हमने, और इतने माफ़ी नहीं मांगे ना, इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ध्यान रखिए। अच्छा, तो राहुल गांधी माफ़ी मांगेगा? अरे नहीं मांगेगा तो इन्हें गाँवों में गोस्से बजेंगे इन पर, पता कौन सा क्षेत्र है जहाँ सन्नी देवल सतपाल की गैल वोट मांगने चला गया, गोस्से बजे थे। हाँ गोस्से बजे थे, तो हमारे यहाँ पार्टी की कोई अहमियत नहीं, जो बिरादरी की हमारे बड़ों की बेइज्जती करेगा उसे घिसाई घिसाई होगी उसकी। अच्छा। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का अपमान कर सकता है और एक छोटे बच्चे की तरह से जोकरी कर सकता है, तो क्या वो एक आम आदमी, जो एक आम किसान है, जो एक गरीब किसान है, उसका कितना सम्मान करता होगा? केवल नाटक करने का काम करते हैं, इनके दिल में किसी गरीब के प्रति, किसी बड़े सम्मानित लोगों के प्रति कोई सम्मान नहीं। चूंकि कारण ये है इसका कि ये बहुत बड़े लोग और बहुत दिन से तक इस देश पर राज किया, तो इन्हें कोई छोटा आदमी बर्दाश्त नहीं कि छोटा आदमी इस कुर्सी तक आकर बैठ क्यों गया। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो उपराष्ट्रपति है वो केवल भाजपा के थे, आपको लग रहा है भाजपा का उपराष्ट्रपति थे? देखो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये पूरे देश के होते हैं, और ये किसी पार्टी के और किसी व्यक्ति के नहीं होते। हाँ चुनाव जरूर उसके आधार पर होता है कि भाई पार्टी के आधार पर हो गया, उसके आधार पर हो गया, लेकिन उपराष्ट्रपति बड़ा गरिमामय पद है, और उपराष्ट्रपति किसी पद उसके नहीं होते, पार्टी के उपराष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति। ऐसा तो नहीं आपने देखा किसान आंदोलन हुआ, कहा यह भी जा रहा है कि जो जाट समाज का वोटर है वो बीजेपी से छिटक गया था, इसलिए बीजेपी ने जाट समाज से इसको जोड़ दिया और मुद्दा बना दिया, सबको इकट्ठा कर दिया। नहीं बीजेपी के लोगों से क्या मतलब, ये तो अखिल भारतीय जाट महासभा और खाप पंचायतों ने पंचायत बुलाई है, इसमें बीजेपी से क्या मतलब। हाँ बीजेपी के लोग भी सहयोग में आ रहे होंगे, वो अलग विषय है, ये तो जब जब समाज की लड़ाई होगी तो वोट भी समाज के लेते हैं और समाज का सहयोग और समर्थन भी करते हैं।